शरण शर्मा और पांडवकर सरकार के खिलाफ भगपति मानव कल्याण संगठन के लाल पट्टीधारी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पुनः संगठन कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर एकत्रित होने के बाद में पांडवकर सरकार के पुतले का लठ भंजन करते उसका दहन किया और अपनी बात रखी। दरअसल भगवती कल्याण मानव संगठन के संस्थापक शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा पिछले दिनों विभिन्न संतों के लिए आध्यात्मिक चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर पांडवकर सरकार और गुरुशरण शर्मा द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। तभी से संगठन कार्यकर्ताओं के बीच में उनके प्रति जमकर नाराजगी और आक्रोश भरा हुआ है और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर आज दमोह में पांडवकर सरकार का दिन दहाड़े पुतला दहन किया गया। शर्मा के विरोध में यह कार्य किया गया है, उनका पुतला दहन किया गया है, जूतों की माला पहनाई गई है। कारण यह है कि जब परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आध्यात्म जगत को चुनौती दी थी, उस समय से यह बौखला गया था, क्योंकि इसके जो कार्य हैं इसकी कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। पांडवकर धाम से पंडा बाबा है, पांडवकर को पंडई बाबा कहेंगे, क्योंकि ये पंडा बाबा तो नहीं है, पांडवकर पड़ो के धाम है, क्योंकि इनने ऐसा हमारे गुरुवर के प्रति ऐसे आप शब्द कहे हैं जो कहने में भी शर्म आए। गुरुवर के लिए और भी शब्द कहा उसने, जबकि ना कभी गुरुवर आज तक जेल का कोई खुली किताब है, ना गुरुवर का तो खुला जीवन है, कभी कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, ना चरित्रहीनता का ना किसी तरह के आरोप लगाया उसने। इस तरह का अगर वो प्रमाण दे कोई तो गुरु ने 5 करोड़ रुपये तक लेने की बात की है। इस तरह से हम लोग बहुत आक्रोश में, गुरुवर जी हमारे शक्ति महाराज हैं, यहाँ दमों में हर लोग जानते हैं कि यहाँ 2-3 बार आके चले गए गुरुवर, कभी उनका व्यवहार कभी उनका जीवन देख के आप लोग सोचेंगे किस तरह का जीवन वह जीते हैं। वह है जन जन के लिए उनका रोम रोम समर्पित है।